छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फुलेरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। विद्याधर चौधरी के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला गया है। स्थानीय को टिकट देने की मांग दोहराई गई। सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात भी नेताओं ने की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट को लेकर लगातार खींचतान जारी है। स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की जा रही है जयपुर से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फुलेरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है। विद्याधर चौधरी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विद्याधर चौधरी के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोला गया। स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। बाबूलाल धायल से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कार्यकर्ता आक्रोशित है, स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की जा रही है, अब बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने इस वक्त। जी देखिए, पिछली बार बहुत ही कम वोटों से विद्याधर चौधरी चुनाव हारे थे और इस बार भी उनकी दावेदारी पक्की है, इसलिए जो नेता हैं वहां पर तैयारी करने वाले, जिनमें कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व प्रत्याशी हैं, वो खिलाफ हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए, स्थानीय को टिकट दिया जाना चाहिए। विद्याधर चौधरी जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में बने हुए हैं, तो जो दूसरे दावेदार हैं वो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए, उनको ये लग रहा है कि विद्याधर चौधरी को ही पार्टी टिकट देने जा रही है, इसलिए उनकी संभावनाएं कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। इसलिए अब आखिरी दौर में जब टिकट बंटने की बारी आ रही है, तब वो और ज्यादा आक्रोशित होकर के और ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज उन्होंने सुखजिंदर रंधावा से भी फिर मुलाकातें करी, कई और नेताओं से भी मिलने पहुंचे और कहा कि उन नेताओं से पार्टी को दूरी बनानी चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो मौका प्रस्त है, तो क्यों नहीं नया प्रयोग पार्टी को करना चाहिए, एक कोशिश उन नेताओं ने मिलकर। बिल्कुल बाबूलाल, पार्टी ने तो पहले ही दावा किया है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिए जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि जब टिकट को लेकर अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है तभी से इस तरीके से बवाल जारी है, तो लिस्ट जारी होने के बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, आप नजर बना रखिएगा। बाबूलाल बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।